नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, STET यानी कि हरियाणा TET के लिए आवेदन शुरू हो गया है और इसको लेकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या पूरा प्रोसेस है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों और एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी STET 2023 के लिए आवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2023 से भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट BSEH.org.in पर जाकर भर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी एक बार पात्रता की पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर ले। तो देखिए, कब होगा एग्ज़ाम ये भी आपको बता देते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम डेट्स को घोषित कर दिया गया है। तो अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 केवल 3 की परीक्षा यानी कि PGT की परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर 2023 को, Level 2 PGT और PRT की परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर 2023 को करवाया जाएगा। अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद अगर कोई उम्मीदवार या अन्य लेवल की परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक हैं तो इसे वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी हेल्प डेस्क नंबर 9359767113 पर ईमेल ID helpdesk@teet.gmail.com पर चैट बॉक्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अगर उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो उसमें 11 से 12 नवंबर 2023 तक संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद आप किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन संशोधन केवल विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान और इसके साथ ही लेवल, विषय के चयन, जाति, वर्ग और श्रेणी और गृह राज्य में किया जा सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।